सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिले के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी मुख्य मार्केट में भवानी मोड़ पे, जहां पर शिवा मिष्ठान भंडार दुकान है, मिठाई का दुकान है, जो काफी लाजवाब मिठाई के साथ साथ केक भी उपलब्ध होता है। शिवा मिष्ठान भंडार का ये केक हम देख सकते हैं कि कितना लाजवाब और कितना यूनिक है, कितना जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। सिवान जिले के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी मुख्य मार्केट के भवानी मोड़ पे शिवम मिष्ठान भंडार जो दुकान है, जो शॉप है, वहाँ पर हर प्रकार के मिठाई के साथ साथ केक भी उपलब्ध है। किसी भी शुभ समारोह में, किसी भी पार्टी में, किसी भी तिलक उत्सव में, किसी भी बर्थडे पर यहाँ से ऑर्डर दिया जा सकता है और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन और उच्च क्वालिटी का सेवा प्रदान की जाती है। जैसे कि यहाँ पर लाइव हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पंज, रसगुल्ला, कालाकंद, गुलाब जामुन, रसमलाई के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू के साथ साथ अन्य कई प्रकार की यहाँ पर मिठाई उपलब्ध है। किसी भी शुभ समारोह में, किसी भी तिलक उत्सव पर, विवाह में, बर्थडे में यहाँ से हम लोग एक बार ऑर्डर ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं और तब हम बताएंगे कि किस प्रकार की यहाँ का सेवा है, किस प्रकार की इसका क्वालिटी है, किस प्रकार की यहाँ पर शुद्धता है। शिव मिष्ठान भंडार की यदि शुद्धता की बात करें तो यहाँ पर मिठाई को उचित क्वालिटी में, उचित रेट में मिलता है। ऐसा नहीं कि पैसा हमारा ज़्यादा लग गया और क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो गया। क्वालिटी भी उत्तम और पैसा भी कम, यानी चीफ एंड बेस्ट। लगातार हम लाइव देख रहे हैं शिव मिष्ठान भंडार में। मैं अंदर जाकर देख रहा हूँ, जब से शिव मिष्ठान भंडार का उद्घाटन हुआ तब से अभी तक लगातार खचाखच यहाँ पर कस्टमर भरे रहते हैं। टेस्ट के लेकर या रेट को लेकर तो काफ़ी सराहनीय और गरिमा की बात है कि चीफ एंड बेस्ट और वैरायटी वैरायटी केक और वैरायटी वैरायटी की मिठाई यहाँ पर मिलती है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि कई प्रकार की यहाँ पर केक मिल रही है। इस प्रकार के केक 3-star 5-star होटल में मिलती है, फॉरेन कंट्री में मिलती है, आपको मैं बता दूँ कि मल्टी सिटी में मिलती है, जो हमारे सिवान जिले के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी मार्केट के भवानी मोड़ पर शिव मिष्ठान भंडार दुकान है, उसमें इस प्रकार का केक उपलब्ध है। तो हम पूरे बिहार वासियों से, पूरे जिले के वासियों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार आग्रह करूंगा कि शिव मिष्ठान भंडार में आएं और अपना अपने मन के अनुसार, अपने मन पसंद यहां से केक और मिठाई लेकर जाएं। शिव मिष्ठान भंडार भवानी मोड़ पचुरखी सिवान की यदि कारीगर की बात करें तो सभी कारीगर एक्सपर्ट एंड परफेक्ट हैं, केक बनाने वाले भी और मिठाई बनाने वाले। पुनः मैं एक बार आपको बता दूं कि शिव मिष्ठान भंडार भवानी मोड़ पचुरखी सिवान में, पूरे हमारे सिवान जिले में, पूरे हमारे बिहार में उच्च क्वालिटी का चीफ एंड बेस्ट केक और मिठाई मिलता है। किसी भी शुभ समारोह में, तिलकोत्सव हो, विवाह हो, बर्थडे में हो, यहाँ पर मिठाई और केक का सेवा और ऑर्डर लिया जाता है और अपने तरफ से प्रयास किया जाता है कि अच्छा से अच्छा सेवा प्रदान करें। तो आइए हम मिलकर बात करते हैं कि जो सिवान जिला का पचुरखी प्रखंड के भवानी मोड़ पे जो चरमोहानी पर जो मिठाई का दुकान है शिव मिष्ठान भंडार, जो हर प्रकार की यहाँ पर मिठाई अवेलेबल है, हर प्रकार की मिठाई यहाँ पे मिलती है और हर प्रकार का केक भी मिलती है, काफी नामी दुकान है। तो आइए मिल के इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का सेवा है, किस प्रकार का मिठाई मिलती है, कौन सी इसमें क्वालिटी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर आपका क्या नाम है और आपको मतलब कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं यहाँ पे लगभग 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5-6 साल से आप जो कार्य कर रहे हैं तो आपको तो काफ़ी अनुभव होगा कि किस किस वैरायटी का मिठाई बनती है और किस किस वैरायटी का मिठाई और लोगों को पसंद है। तो अभी तक आप कौन से वैरायटी का मिठाई सेलिंग किए हैं ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्पंज और गुलाब जामुन और साथ ही साथ रसमलाई सबसे ज़्यादा। मैंने आपके कहने कौन सा है कि रसमलाई, गुलाब जामुन, स्पंज सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है, लेकिन जैसे कि कुछ दिनों से ये पता चला है कि आप लोग आपके शिव मिष्ठान भंडार में केक का सेवा उपलब्ध है। तो सबसे पहले केक के पास पहुंचने से पहले हम ही जानना चाहते हैं कि शादी विवाह में या किसी उत्सव में किस प्रकार की मिठाई आप लोग ऑर्डर लेते हैं? सर जैसे आपको जिस टाइप का भी मिठाई चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है काउंटर में, हम वैसे आपको ऑर्डर पे दे देंगे। तो आइए आप हमारे साथ चल सकते हैं और ये चल कर देखते हैं कि इस शिव मिष्ठान भंडार में केक का भी ऑर्डर लिया जाता है और देखते हैं कि केक किस प्रकार से और केक तैयार की जाती है और केक के क्या क्या डिज़ाइन है। तो सबसे पहले आइए हम देख पा रहे हैं कि ये जो केक जो है, देखिए हर 3 रैक में सजाया गया हुआ है केक। ऊपर भी देखिए 4th रैक है केक पे। यहाँ पर देखिए हर वैरायटी के यहाँ पर केक देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन डिजाइन से केक लगा हुआ है, हर कलर का केक लगा हुआ है। काफ़ी इसमें मेहनत किया गया है, इसमें कारीगरी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर हम मिलकर बात करेंगे कि यहाँ के कारीगर कौन है और इतने अच्छे केक किस तरह से निर्माण किया जाता है, क्योंकि बहुत दिन हम लोग सिवान छपरा गोपालगंज से घूमते हैं, देखे हुए हैं इस डिजाइन से और इस कारीगरी से
इस कैटेगरी के अनुसार कहीं भी केक प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस 20 साल का हुआ हो, 15 साल का हुआ हो, कि क्या सत्यता है। हम केक जो बनाते हैं उनसे मिलकर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग पहुँच चुके हैं शिवम मिष्ठान भंडार के अंदर में, जैसे कि आपने हमने बात किया है, जहाँ पे एक काउंटर पर मिठाई का स्टॉल लगा हुआ है, दूसरे काउंटर पर केक का स्टॉल लगा हुआ है, हर वैरायटी का हमने यहाँ पर केक देखा है, तरह तरह मैंने स्टाइलिश और तरह तरह डिजाइन के साथ यहाँ पर केक है, काफ़ी लाजवाब है, और उसका टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कितना टेस्टी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के कारीगर से, तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो है आप 5 सालों से कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर देखना चाहेंगे कि किस तरह की कारीगरी है और यहाँ पर किस प्रकार से सेवा उपलब्ध है, किस प्रकार से आपने इसको क्रिएट किया है। सर, मैंने जहाँ पे जो भी केक का काम स्टार्ट किया है सब इन सर की वजह से किया है, सारे इन्हीं के सपोर्ट से हो रहा है। अच्छा, तो क्या नाम सर का? अजय कुमार मिश्रा। तो आइए हम लोग अजय कुमार मिश्रा से मिलकर बात करते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर कारीगरी अपना देखा है और कितना दिनों का अनुभव है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे CCTV चैनल में। तो सर, यहाँ क्या नाम है? तो सर, ये बताइए कि जो यहाँ पर ये जो ये मिठाई है, ये लावा केक है। ये लावा केक है जो काफ़ी बेस्ट, खूबसूरत और टेस्टी है। ये है एप्पल फाई जो इंडिया में बेस्ट आइटम है, सबको माना जाता है। ये है मोफिस जो आपको पड़ेगा, ब्लूबेरी मोफिस। ये है स्ट्रॉबेरी मोफिस, ये वाला। ये है ब्राउनी मिक्स जो फेमस आइटम है, हर कोई जानता है। और सर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग आते हैं कि आप देख रहे हैं कि तरह तरह का केक है। तो ये जो केक का डिज़ाइन है, कि कौन सा केक है ये? सर, ये केक है 3D केक है, ये 3D केक है, ये जो चॉकलेट 3D केक है, ये 3D केक है। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, उधर पाइनएप्पल है, नीचे ये ब्लूबेरी है, आपको ब्लैक फॉरेस्ट है, व्हाइट फॉरेस्ट है, देखिए बेस्ट आइटम। तो ये सब अलग अलग आइटम है, यानी आपके पास बर्थडे से रिलेटेड जितना भी केक, हर तरह का केक है। तो सर, केक किस किस मटेरियल से तैयार होता है, क्या इसके विषय में कुछ बता पाएंगे? सब इंग्लिश है सर, बिल्कुल टोटल इंग्लिश। यानी आपके यहाँ जो केक मिलता है शाकाहारी के लिए 100% अवेलेबल है? 100%। यानी मैं आपको बता दूँ CCTV न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो सिवान जिले का पचुरकी प्रखंड के भवानी मोड़ पर शिवम मिष्ठान भंडार दुकान है, मिठाई का दुकान है, वहाँ पर बहुत दिनों से मिठाई का दुकान था, अभी केक का भी यहाँ पर स्टॉल लग रहा है, केक भी तैयार किया जा रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर तरह तरह के डिजाइन है, हर तरह का केक उपलब्ध है, शाकाहारी मांसाहारी पूरा बिना हिचक यहाँ से केक लेकर जा सकते हैं, किसी प्रकार का केक नहीं, पूरा आइटम, फुल आइटम है। तो आइए हम चल के बात करेंगे कि किस तरह से तैयार किया जाता है, किस मशीनरी से तैयार होकर, कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो सर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं, उसको हमको देखा पाइएगा। बिल्कुल, तो ये सर चलते हैं, हम चल के देखते हैं। जैसे कि हमने बात किया सिवान जिला के पचुरकी प्रखंड के भवानी मोड़ पर जो शिव मिष्ठान भंडार है, जो तरह तरह की मिठाई मिलती है, तरह तरह के केक मिलती है, तरह तरह के डिजाइन से तैयार की जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि अजय जी ने बताया कि आइए हम आपको मैन्युफैक्चरिंग रूम दिखाते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए इतने जो टेक्नोलॉजी है, हाई टेक टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से तैयार होता है। सर, दिखाइए कि इसका क्या क्या विशेषता है। ओवन है सर, ये ओवन है सर, इसे बेक होता है। देखिए कैसे बैक हो रहा है, ये इसमें बैक होता है, ठीक है, ये टाइम टेबल होता है इसका। ये हम इसका सर क्या काम है, इसका क्या काम है? ये ऑटोमेटिक है सर, ये टाइम टेबल सेट करता है, टाइमिंग जो भी है सब सेट हो रहा है इसमें, ठीक है ना, ऑटोमेटिक है ये जी, जी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। यानी कोई इस पर काम कर रहा हो तो किसी पर जलने वलने के किसी को दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ऑटोमेटिक है ये, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बंद हो जाएगा ये जी, जी अपने बंद हो जाएगा। इसका सर विषय में क्या बता रहा है? मिक्सिंग मशीन सर, ये मिक्सर मशीन है। इसमें क्या होता है कि अपना केक का मावा हो गया, बिस्कुट का मावा हो गया, सर इसमें मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद फिर बाहर निकालते हैं इसको हम। ये अपना परफेक्ट मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जैसे कि इन्होंने जो मशीन देखा है, आइए हम बारीकी से देखते हैं कि इसका अंदर किस प्रकार का डिजाइन है। देखिए कैसे चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर मिक्सिंग की जाती है, किसी प्रकार की अगर मिठाई और केक बनाना हो तो यहाँ पर मिक्सिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी का हर कोई भी चीज़ है। सर, इसके अलावा सर आपके केक किधर तैयार होता है? सब ऑटोमेटिक है। चलिए सर, देखिए जैसे कि हम पहुँच चुके हैं शिवम मिष्ठान भंडार के मैन्युफैक्चरिंग रूम में, जिसको किचन के तौर पर यहाँ पर समझिए कि किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह की केक तैयार होती है। तो आइए पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि केक किस प्रकार से तैयार की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर केक तैयार करके बाय पीस कटिंग की गई है। तो सर, इसके विषय में कुछ विशेषताएँ बता सकते हैं? सर, बेस्ट, बिल्कुल सर, ये बेस्ट क्वालिटी है और प्रीमिक्स का है, और इसको ऐसे कटिंग किया जाता है, और आप भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल बेहतरीन है, सब कुछ है। यानी छोटा बड़ा हर प्रकार के यहाँ पर केक बनाई जाती है? जी 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 जी, सब कुछ जैसा बोलिएगा सब और हिसाब से। तो और सर, ये जो मशीन है किस प्रकार की मशीन है? माइक्रोवेव है सर जी, इसमें हम ट्रुफल और मेल्ट करते हैं, चॉकलेट मेल्ट करते हैं, गाइस काम करते हैं,
हर काम कर सकते इसमें आप। इसको बनाने के जो मटेरियल है जो क्लास वन का मटेरियल मंगाते हैं कहाँ सर मटेरियल मंगाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम मंगाते हैं सिमरन क्लास सिमान से। देखिए अभी इसमें देखिए बनाने का हमारा मेन मटेरियल देखिए क्रीम हो गया, ये देखिए ये आपका ये क्रीम हो गया, 20 नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है सर, इंडिया का सबसे टॉप कंपनी है ये, हम यूज करते हैं ये वाला देखिए। और सर इसमें क्या क्या है सर जी? केक है, क्रीम है, सब ये मतलब फ्रोजन आइटम है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं सर आपको। शिवम मिष्ठान भंडार भवानी मोड़ पर चुकी शिवान के दुकान में हम घुस चुके हैं, जहाँ पर केक किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होता है हम इसके विषय में सुनेंगे, समझेंगे और लाइव देखेंगे। ताइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर केक मैन्युफैक्चरिंग होता है उत्तम क्वालिटी का और सबसे बेहतरीन एंड जबरदस्त। तो आइए हम लाइक झलक लाइव देखते हैं और सीखते हैं ये केक किस प्रकार से बनाई जाती है और फिर इसको लेकर जाएंगे घर कि इसका टेस्ट भी हम इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट को भी बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। शिवम मिष्ठान भंडार भवानी मोड़ पचुके शिवान के लगातार हम लाइव देख रहे हैं कि केक किस तरह से बनाया जा रहा है, कौन कौन सा यहाँ पर सामान इस्तेमाल की जा रही है, कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। इसका किचन बहुत लबजस्त है, बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर एसी का भी मतलब सुविधा उपलब्ध है। हम देख रहे हैं कि केक किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लगातार इसको क्रीम से चारों तरफ से ढक दिया गया है और इसमें ऊपर से लगातार मटेरियल दी जाएगी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी को फोकस किया जाएगा, टेस्ट पर भी फोकस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं लाइव और सीखते हैं कि किस प्रकार से केक तैयार किया जा रही है, इसके बाद हम टेस्ट का अनुभव लेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि इस केक में कितना टेस्ट है और कितना सत्यता है और कितना असत्यता है। हम लोग पहुंच चुके हैं शिवम मिष्ठान भंडार भवानी मोड़ पर चुके शिवान के किचन में, जो लगातार केक यहां पर बनाई जा रही है, हम लोग लाइव देख रहे हैं। लगभग केक लास्ट होने वाली है, केक कब कंप्लीट होने वाली है। तो जब केक बनेगी तो हम लोग केक का डिज़ाइन को देखेंगे और उसके बाद केक को चख कर देखेंगे कि इसमें कितने स्वाद है, कितना टेस्ट है और इसका क्वालिटी को समझेंगे। केक बनाते समय एक से एक टूल्स को यूज किया जा रहा है, एक से एक सामग्री को इस्तेमाल किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर डिज़ाइन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे सिवान जिले में सबसे उत्तम क्वालिटी का यहाँ पर केक मिले, सबसे उत्तम क्वालिटी के लोग केक का टेस्ट ले पाए और अपने मनपसंद केक इस्तेमाल कर पाए और अपने बर्थडे में केक काटे, अपने किसी फंक्शन में केक काटे और हमेशा खुश रहें और खुशहाली जीवन जिए। सिवान जिले के पशुरुखी प्रखंड के पशुरुखी मार्केट के भवानी मोड़ पर जो शिवम मिष्ठान भंडार है उसको मैंने विजिट किया, मैंने देखा। जैसे कि हम जब हम लोग यहाँ पर किचन में आए थे देखें कि केक तैयार हो रहा था और केक जितना देर तैयार होता था हम लोग केक को देखें और देखिए केक का डिज़ाइन कितना बेहतरीन तरीके से किया गया, इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कम समय में इतना बेहतरीन केक तैयार कर पाना ये एक आम बात नहीं है, ये एक्सपर्ट का जरूरत है। जो 3 स्टार 5 स्टार में जो काम किए हैं वही इस तरह के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार। और सुजीत जी, ये केक बनाना आप कितने दिन से सीखे हैं और कहाँ इसके पहले कार्य कर रहे थे? 4 साल से काम करना इस केक लाइन में आए हैं। तो 4 साल से जो काम कर रहे थे, जैसे हम लोग सुने गए 3 स्टार 5 स्टार बहुत सारा स्टार में आपने काम किया था, कहाँ कहाँ काम किए हैं आप? सर नागपुर में किए हैं, गुजरात में किए हैं। जैसे सुजीत कुमार का कहना है कि हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जो महानगर है, नागपुर हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, जहाँ पर 3 स्टार 5 स्टार होटल मिलती है, जैसे दिल्ली हो गया, तो इसमें हर जगह जहाँ जहाँ केक बनती है वहाँ वहाँ जाकर हमने काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस हमने लिया है। इसी का नतीजा है कि हम कम समय में इतना बेहतरीन केक तैयार करते हैं। तो जैसे कि मैं आप बता दूँ, पूरे सिवान जिला को ही नहीं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, पूरे अपने बिहार स्टेट को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हमारे बिहार में भी और बिहार के सिवान जिला में भी पशुरखी प्रखंड में भवानी मोड़ पर 5 स्टार और 3 स्टार का केक यहाँ पर अवेलेबल है शिवम मिष्ठान भंडार में। तो पूरे हमारे बिहार के जनता से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, मैं भी आऊँगा और यहाँ से केक लेकर जाने वाला हूँ। हमने बात किया सिवान जिला के पशुरखी प्रखंड के भवानी मोड़ पर स्थित शिवम मिष्ठान भंडार में, जहाँ पर केक जो केक इतना बारीकी से एक्सपोर्ट के अनुसार
द्वारा बनाया गया है। जैसे अब इसके को हम लोग टेस्ट करके ये जांच करेंगे इसका क्वालिटी क्या है, कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज मस्ट बट क्वालिटी इज फर्स्ट, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आइए हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो भी कस्टमर आए हुए हैं, खड़े हैं, मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग पूछेंगे इसका टेस्ट क्या है। ओके, तो जैसे कि हमने इस केक का क्या नाम ना बताया सर, स्ट्रॉबेरी केक है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी केक शिवम मिष्ठान भंडार जो पशु की बहानी वहाँ पर स्थित है, उनका स्ट्रॉबेरी केक हम लोग टेस्ट करना चाहिए, देखते हैं कि इसका किस तरह का क्वालिटी है। तो ये हमने केक निकाला और ये जैसे कि मैं बता दूं कि ये केक जो है काफ़ी टेस्टी और काफ़ी लाजवाब है। और इसका प्रमाण लेने के लिए, उसका पुष्टि करने के लिए कुछ जो कस्टमर है उनसे टेस्ट करवाते हैं। आप पूछते हैं कि उनको किस तरह का टेस्ट लगा। तो जैसे सर थोड़ा सा जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एक कस्टमर है वो भी ले रहे हैं। लीजिए सर खाइए सर के, अभी खाइए सर। जैसे सर आपके क्या नाम है? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सर जी, आपने जो स्ट्रॉबेरी जो केक लिए शिवम मिष्ठान भंडार का, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। और सर आपका क्या, सर आपका क्या नाम है? रितेश कुमार सिंह। और सर जो केक आप लिए आपको कैसा लगा? बहुत फैंटेसी केक है, बहुत अच्छा है, और ऐसा केक हम लोग पचरुखी में नहीं मिलता था। और बहुत खुशी की बात है कि ये आज हमारे पचरुखी में भवानी मोड़ पर केक का बनाने का ऑर्डर या हर कुछ फैसिलिटी मिलेगा हम लोग खाने के लिए, और खुद ही बनवा सकते हैं, अपने से बैठ के ले सकते हैं, खा सकते हैं। जो हम लोग बहुत दिन से सिवान जाते थे खाने के लिए, वो अब सारी सुविधा हम लोग के यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि पचरुखी के जितने भी कस्टमर हैं जो यहाँ पर, पूरे पचरुखी के कस्टमर शिवम मिष्ठान भंडार पर आते हैं, पूरे सिवान के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, पूरे छाबड़े के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि एक कस्टमर का कहना है कि किसी पर इस प्रकार का फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती थी, शिवम मिष्ठान भंडार में इस तरह का फैसिलिटी मिल रही है। जैसे कि ये जो दुकान जो है, इस दुकान का क्या नाम है? शिवम मिष्ठान भंडार है या इसका कोई और नाम है? सर इसका नाम डिफरेंट है, इसके जो सामान इसमें मिलता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी है। इसका नाम है शिवम गिफ्ट गैलरी एंड डिजाइनिंग आर्ट्स, यानी इस दुकान का नाम है शिवम गिफ्ट गैलरी एंड डिजाइनिंग आर्ट्स। समझ सकते हैं हर प्रकार डिजाइनिंग यहाँ पर की जाती है, हर प्रकार गिफ्ट यहाँ पर मिलता है। जो आए एक साथ आए और एक साथ हर चीज़ को पाए, अलग अलग मार्केट में जाकर अलग अलग सामान लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिवम मिष्ठान भंडार में एक दरवाजे पर एक प्लेटफॉर्म पर हर तरह के सामान मिलेंगे। इसी के साथ सीसीटीवी न्यूज़ के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव, सीसीटीवी न्यूज़, थैंक्स।